नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आपका 28 तारीख का सुबह की पारी का जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि थर्ड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन आए हैं सामान्य वही क्वेश्चन थे जो पीछे से आपके दो पारियों में जो पेपर हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अच्छा प्रश्न पत्र था, और जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है वो बच्चा आराम से अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकता था। इसमें देखो हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक माइंड मैप होता है, और वो उनको फॉलो करते हैं। जैसे अधीनस्थ बोर्ड ने इन तीसरी शिफ्ट में भी वही पैटर्न फॉलो किया है। अब फटाफट अपन टाइम लॉस नहीं करेंगे, और टाइम लॉस नहीं करते हुए अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपने जो क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में, और जो 150 क्वेश्चन है उन 150 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए, और जो सही क्वेश्चन है वो अगर आपके हो रहे हैं तो इन फ्यूचर आपको क्या करना है, उस तैयारी को ध्यान में रखते हुए और अपना जो भविष्य है वो आपको तय करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक मिनट में भविष्य नहीं बनता है, लेकिन एक मिनट में लिया हुआ फैसला आपके भविष्य का निर्माण जरूर कर देता है। होता यही है कि इस उम्र में बच्चा जो होता है वो बच्चा समझ नहीं पाता मुझे क्या करना है, और जैसे ही भर्तियां सर पे आती हैं, सामने आती हैं, तब वो सोचता है कि मुझे अब तैयारी में लगना चाहिए और मुझे अब तैयारी करनी चाहिए। जबकि उसको ये नहीं पता होता है कि जिस तैयारी में आप अब लगे हो उसमें बहुत से जो बच्चे हैं वो पहले से लगे हुए हैं। क्योंकि आग लगने के बाद कुआं खोदना मूर्खता है, फिर तो या तो आग जलकर पूरी हो जाएगी तब तक आपका कुआं खोदेगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब आपका पेपर हो चुका है, जैसा भी हुआ है घबराने की जरूरत नहीं हो कहीं भी। अगर अच्छा हुआ है तब भी आपको ज्यादा अति में नहीं जाना है कि नहीं मेरा बहुत बेस्ट हुआ है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक हारा हुआ जो इंसान है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो जो बच्चे पीछे रह गए वो ज्यादा मेहनत से आपको पीछे नहीं छोड़ जाएं। और अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो ये देखो कि मेरी कमियां कहां रही हैं। चलो ज्यादा अपन समय नहीं लेंगे और अपने प्रश्न पत्र की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। और पहला प्रश्न दिया है कि रानीगंज, एक जगह का नाम है रानीगंज कोल फील्ड। इसने देखो सीधा बोल सकता था ये कि कोयला खान, लेकिन इसको पता है कि बच्चे कोयला नाम आते ही रानीगंज आते ही पकड़ जाएंगे बात को, और अगर रानीगंज मिल गया तो वो फटाफट इसको सही कर देंगे। लेकिन कोल फील्ड अगर मैं डाल दूं तो बच्चे इसको सही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जो आपका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा पश्चिमी बंगाल रानीगंज, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्षेत्रीय ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते ना खेतरी, तो ये जो खेतरी है ये पहले झुंझुनू में था। कहां था? झुंझुनू में। लेकिन वर्तमान में नए जिले बने तो नीम का थाना, वर्तमान जिला है नीम का थाना, लेकिन ये बीकानेर में थोड़ी है। आपको मिल गया रे, सही नहीं है, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, गलत बात पूछ रहा है। अगर आपको पहले ऑप्शन में गलत बात मिल गई तो आपको आगे ढूंढने की जरूरत कहां है, जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है इसने, अगला क्वेश्चन दिया 3 नंबर, और उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से खारे पानी की मछली है। अब कईयों को तो खारे पानी की मछली में ये लगा होगा, अरे नहीं यार सर ये मछली नहीं पूछ रहा था, ये खारे पानी की झील पूछ रहा था, खारे पानी की झील पूछ रहा था, क्योंकि पीछे दो पारियों में झीलों से प्रश्न आ गया, अब की बार मछली से दे दिया। तो इसमें मछली पूछ रहा है कि निम्न में से खारे पानी की मछली कौन कौन सी है। तो देखो लोच है, रोहू है, पर्च है, पोम्पेनो है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पोम्पेनो। अगला क्वेश्चन है मैथ का, जिसमें दिया यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेमी और मोटाई 0.2 सेमी है तो एक लंबवर्ती बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेमी और व्यास 5 सेमी को बनाने में कितने सिक्कों को पिंगलाना होगा, इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मैथ में आपसे पूछा गया कि सिक्के कितने पिंगलाएंगे, तो हम सिक्के पिंगलाएंगे 200। कितने सिक्के होंगे? 200।
एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 4 सेमी है। 6144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में कितने डिब्बे पैक होंगे, है ना? तो इसमें डिब्बे पैक होंगे आपके 32। कितने डिब्बे पैक होंगे? 32 डिब्बे पैक होने वाले हैं। अगला देखते हैं अपन, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 6 नंबर कि मैथमेटिकल शब्द में यदि MA के स्थान पर N लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो कमी आएगी 16.3%। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, डायरेक्ट आपके पास अपना पेपर होगा, मैच कीजिए आप आराम से, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, समय है ही नहीं आपके पास। अगला जो क्वेश्चन है वो है 7 नंबर में, ए और बी 600 रुपए 2 वर्षों के लिए, सी को 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर देता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा 5%। क्या रहेगा? 5%। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्से का योगदान है? अब भाई ये जो क्वेश्चन है ये कृषि प्लस पशुपालन में 70% योगदान है, लेकिन 70% जो जनसंख्या वो इस पर निर्भर है। अब ये भाई देखना है इस प्रश्न का उत्तर कि क्या रहने वाला आपका, है ना? इसमें थोड़ा समय चाहिए, मैं ये आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, अभी इसका उत्तर हमारी टीम को मिला नहीं है भाई, है ना? चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? ए भगवान, ये भी अगर गलत कर दिया, व्यास और सतलुज। अरे कितनी बार बताया, हैरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि देखो आप, इंदिरा गांधी नहर से हर शिफ्ट में प्रश्न आया है, हर शिफ्ट, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है, तीसरी शिफ्ट में भी इंदिरा गांधी नहर से प्रश्न आया है, तो भैया रट लो, अब जो शिफ्ट है उसको रट लो, इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान राज्य में कुल ऊन का लगभग कितने प्रतिशत जो है वो राजस्थान उत्पादन करता है? तो वो रहेगा, वो है देखो इसमें 40-50% ऊन का उत्पादन करता है। अब 40 भी है 50 भी ऑप्शन में है, तो इसको भाई थोड़ा सा बोनस की तरफ झुकाव रहेगा इस प्रश्न का कि 50 भी ऑप्शन में है, 40 भी, अगर एक होता तो अपन फटाक से कर सकते थे। तो 40-50%, जिस बच्चे ने 40 और 50 किया कहीं कोई डाउट नहीं है। अगला जो प्रश्न है अपना वो है मेजर सत्यान सिंह, ये आ गया देखो अपने राजस्थान की जो पुस्तकें उसमें दिया है मेजर सत्यान सिंह, और ये थे कुमाऊं रेजिमेंट में इनका संबंध था। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखते हैं अपन, अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है 12 नंबर का जो प्रश्न है वो ये कहता है कि दो कथन दिए गए हैं, कुछ आपको कथन दिए गए हैं और वो कथन देखने हैं आपको कि आजादी से पहले राजस्थान में कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था और गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया था। भाई पता नहीं इस क्वेश्चन का, मुझे समझ से बाहर है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं, गैर किसान, ये प्रश्न मैंने कहीं पढ़ा नहीं इसको, है ना? चलो छोड़ दो, आगे देखते हैं अपन। प्रसिद्ध सेला पास स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है, तवांग घाटी का नाम सुना है क्या आपने? अरुणाचल प्रदेश में बेटा तवांग, है ना? जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित बजट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संतुलित बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है, जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली पुस्तक माना गया है? जॉन मेयोडकिंस जो है वो इन पुस्तक के रचयिता हैं। अगला जो प्रश्न है अपना वो है, देखो ये प्रश्न आ गया ना फिर से कि निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति पूछ लिया, नीली क्रांति पूछ रहा था, श्वेत क्रांति पूछ रहा था, MS स्वामीनाथन, और याद रखना विश्व में था नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? 75%।
प्रिय सखा में कौन सा समास है? प्रिय सखा में क्रमधारय समास है। कौन सा समास है? क्रमधारय। उद्गम में उपसर्ग कौन सा है? उद्गम। और उद्गम में है उत, उत उपसर्ग है। वासुदेव शब्द में कौन सी, वासुदेव में प्रत्यय है ए। वासुदेव में प्रत्यय कौन सा है? ए। सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही रहने वाला है वासुदेव में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जो प्रश्न है इसमें पर्यायवाची दिए गए हैं और जो पर्यायवाची दिए गए हैं वो है रुचिर, चारु, रम्य, कांता और रमणी। तो देखो रुचिर है, चारु है और रम्य है, तो कौन नहीं है? कांता और रमणी। ये किसके हैं? पत्नी के। किसके हैं? पत्नी के। तो इसमें देखो ये बी और डी नहीं होने वाला है, तो पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछ रहा है तो बी और डी, तो बी और डी डी वाले ऑप्शन में है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? केवल बी और डी। राइट आंसर क्या रहेगा? केवल बी और डी। अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कृपया। कृपया शब्द गलत है भाई, पर्याय शब्द गलत है, सादृश्य होता है, सदृश्य नहीं होता है ना। तो इसमें राइट आंसर नरक और कार्यक्रम। इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला आपका? नरक और कार्यक्रम। तो शुद्ध शब्द पूछ रहा है तो सी और ई। सी और ई का मतलब क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या रहने वाला आपका? डी रहने वाला है। कहीं दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से आप प्रश्न सही करना चाहते तो आराम से प्रश्न सही कर सकते थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, आराम से आप प्रश्न सही कर सकते थे भाई, है ना। तो अब देखो इसमें अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और अगला जो प्रश्न अपना 23 नंबर है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखो आप यहां बैठो मेरे को ठीक लग रहा है, मैंने ये कहानी पढ़ी, ठीक बात है, वह वाराणसी से वापस लौट आया, तो ये शब्द गलत है। वापस और लौट, या तो वो वाराणसी से लौट आया या वापस आया, तो ये दो शब्द रिपीट हो रहे हैं। वह नेक काम करता है, ठीक ठाक बात है कि बहुत से काम करता है, और यह तो मेरी पुस्तक है, तो इसमें गलत क्या होगा? यह शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? केवल बी और डी होगा। केवल बी और डी, मैंने यह कहानी पढ़ी, ये बात सही है, और वह नेक काम करता, ये तीनों गलत है, तो इसमें केवल बी और डी, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है 24 नंबर में कि सासी एक घुमंतू जाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है कि सासी जनजाति के वीजा और मावा दो वर्ग है, दोनों बात सही है, कथन एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दो कथन दिए हैं, संबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, ठीक बात है, जबकि माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान के उदयपुर में, नहीं भाई उदयपुर में माही कहाँ आ गई? माही बांध उदयपुर में कहाँ है? ये तो अपने माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकल जाती है, यानी कर्क रेखा को पार करने वाली एकमात्र जो नदी है वो कौन सी है? माही। तो माही सागर बांध डूंगरपुर में, उदयपुर में नहीं है, है ना, बांसवाड़ा में है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक ए, एक वाला सही है, दोनों सही है। राइट आंसर डी, कथन एक और कथन दोनों सही नहीं है। तो इसमें गलत क्या होगा? इसमें होगा कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है कथन एक तो सही है, दूसरा गलत है। ओके, अगला देखते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न क्या कहता है, चलो उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र से अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्र में नीत नहीं है। इसका मतलब न्यायालय से संबंधित रिट है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जारी करता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्रतिषेध। अगला है नीली क्रांति। हे भगवान, ये फिर आ गया नीली क्रांति। नीली क्रांति पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन है। अगला है भारत में मानव पूंजी निर्माण में, मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? चलो देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आ रही हैं हमारे सामने। तो देखो बढ़ती जनसंख्या है, प्रतिभा का पलायन है, अपर्याप्त
जनशक्ति का नियोजन है या निम्न शैक्षणिक मानक हैं? देखो पूछ क्या रहा है, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? समस्या एक तो सबसे बड़ी है भाई, बढ़ती जनसंख्या, सही बात है। दूसरा है हमारी शिक्षा के मानक जो हैं वो थोड़े सही ढंग से नहीं है, पैसे वैसे दे के ऐसे ही नौकरी लग जाते हैं। इधर उधर से बात बननी चाहिए, अगर इधर नाती के बारे में आपका कोई संबंध है तो आराम से आप शिक्षक बन सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। तो मानक नहीं है कोई, अपर्याप्त जनशक्ति का नियोजन है, आपके पास नियोजन प्लानिंग नहीं है, तो ये समस्याएं भी आ रही हैं। और प्रतिभा का पलायन, अरे पलायन कहां करेंगे, प्रतिभा है वो पलायन क्यों करेगा भाई जिसके पास प्रतिभा है, तो ये बात गलत है, ये समस्या नहीं है। तो भारत में मानव पूंजी के निर्माण में कौन सी समस्या आ रही है, ए सी और डी? ए राइट आंसर देखो भाई, इसमें क्या आने वाला है, ए बी और सी, ए बी और सी। सॉरी भाई, ये जो प्रश्न आपका, ये ध्यान से मैंने देखा नहीं, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? बढ़ती जनसंख्या है, प्रतिभा का पलायन है और अपर्याप्त जनशक्ति का नियोजन है। तो देखो इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका, बढ़ती जनसंख्या भी है, प्रतिभा का पलायन भी है और अपर्याप्त जनशक्ति का नियोजन भी है। तो ए बी और सी वाला जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, ए बी और सी वाला। ओके, फिर अपन देखते हैं, राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है, राजस्थान की जो चौका प्रणाली है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंधन करना, मधुमक्खी पालकों को सहयोग करना, या पशुपालन को बढ़ावा देना, या अनुत्तरित पर्सन। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताओ कि राजस्थान की चौका जो प्रणाली है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। क्या करना है? पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, और अगला जो प्रश्न अपना रहने वाला है वो प्रश्न है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में सामान्यतः, देखो कि इसको सीधा पूछ लेते यार, खड़ीन है, टाका है, टाबा है, नाली है, क्या है ये? तो इसने देखो कितना घुमा दिया कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में सामान्यतः जो टांका एक परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की तकनीक है, राजस्थान के थार के मरुस्थल में क्या है, वर्षा जल संरक्षण की एक तकनीक है भाई, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत है? राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, चलो एक बार देखो आप इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को देखो भाई, क्या पूछ रहा है ये कि राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है, 55 है, 60 प्रतिशत है, 45 है या 51 प्रतिशत है? तीन लाख 42,239 वर्ग किलोमीटर, 342,239 वर्ग किलोमीटर में से कितना क्षेत्रफल है जिसके ऊपर कृषि की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहना है, इसका जो राइट आंसर रहना है कि 55 प्रतिशत है या 60 प्रतिशत है या आपका क्या होगा इसमें 45 प्रतिशत है या 51। तो राइट आंसर रहेगा 45%, क्या रहेगा 45%। अगला है, जब एक वस्तु को, यानी कोई वस्तु है उसको ₹69.60 का बेचा जाता है तो 25% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य रुपये में बताओ भाई, यानी अगर उसको बेच रहा है ना तो 25% हानि होती है, तो लागत मूल्य बताओ। तो इसका लागत मूल्य होगा बेटा जी ₹92.80 सी वाला। ओके, अरे क्या बात है, बन रही है क्या बात,
या फिर ऐसे ही जय बजरंग बली ए बी सी डी ए बी सी डी है। चलो, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 33 का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर रहेगा 42 रन। श्री धल और श्री हुसैन का आय का अनुपात 7:4 है, वे का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक रुपए 10,000 की बचत करते हैं तो श्री धल का वे होगा, तो श्री धल का वे क्या होगा 60,000। श्री धल का वे क्या होगा 60,000। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। तो इसमें राइट आंसर रहेगा केवल ए बी और डी। इसका मतलब प्रत्येक सही है, मिसार सही है और डी, डी का मतलब अभी प्लस उदय अभ्युदय सही है, सदैव गलत है और मनोबल गलत है। तो सही पूछा आपसे, तो सही पूछा है, तो केवल ए बी और डी आपका सही रहने वाला है। सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ओके, अगला जो है वो प्रश्न देखते हैं अपन। भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? कौन सा करता है भाई? तो इसमें करता है NSSO। राइट आंसर है NSSO। अगला है, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले परिणाम को कहते हैं? तो उस परिणाम को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। आप क्या कमाते हो, प्रति व्यक्ति आय है ना, आप क्या कमाते हो वो कहते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना वो है कि निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती, आहरित नहीं की जा सकती, आहरित नहीं की जा सकती, आहरित नहीं की जा सकती। तो इसमें रहेगा आपका समेकित नीति, समेकित नीति। राइट आंसर क्या रहेगा? समेकित नीति, समेकित नीति, समेकित नीति रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है अपना उसमें देखो आप, अगला जो प्रश्न है कथन का दिया गया है कि सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था, हुआ था क्या? और कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला था और उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। फिर इन्होंने कहा है कि 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वह एक महान मानवतावादी थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए किया था। क्या बात सही है ये भाई? दोनों बातें बिल्कुल सही है। इसमें कथन एक और कथन दो दोनों बातें सही है, टेंशन ही नहीं लेना है, इसमें दोनों बातें आपकी सही रहने वाली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो प्रश्न है अपना वो प्रश्न क्या रहने वाला है, चलो उसको देखते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, NNSO हमने कंप्लीट कर दिया, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, 40 नंबर क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से, तीनों पारियों में क्वेश्चन आया भाई सुभाष चंद्र बोस से, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। 1859 में इन मेमोरियम नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? पेंटिंग से जोसेफ नोल पेंटन के द्वारा। ओके, जोसेफ नोल पेंटन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी,
मुदालियर आयोग जिसको अपन माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो क्या कहता है ये कहता है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए, मैंने अभी बताया ना इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व, अरे मैंने कल परसों ही करवाया था राजाजी 43 में, राजाजी उत्तराखंड में है राजाजी टाइगर रिजर्व, सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन क्रेन, इंडियन लेपर्ड, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, और थोड़ा सा भी टाइगर नाम आ गया सरिस्का अलवर, अरे खूब कहीं दिक्कत ही नहीं है, बस थोड़ा सा नाम घुमा के पूछ रहा है कि गंगाधरी शक्तिमान है, बस इसको पकड़ना है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे पीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका सही कौन सा नहीं है, ये आपका है डी। यहां वार्षिक जो वर्षा होती है ना वो होती है 90 से 120, कितनी होती है 90 से 120, इसका मतलब 150 से 200 सेंटीमीटर तो होती नहीं राजस्थान में, 90 से 120 होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वैध विस्तार के रूप में नहीं है, MP3 है, MID है और RAR नहीं है भाई, RAR नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है परिवर्तित कीजिए, और आधार 2 के ये कुछ ऐसा दिया है, इसका राइट आंसर होगा 56C। प्रिंटर की किस्म नहीं है, डॉट सॉलिड प्रिंटर डी। निम्न में से कौन सा राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है, अरे मंथा नदी सांबर झील में कहां होती है, मंथा नदी जो है वो सांबर झील में कहां होती है, मंथा नदी सांबर झील में। ओके, आपका जो रहेगा मंथा नदी जो है वो सांबर झील में होती है। अगला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न क्या पूछता है आपसे, चलो वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सरदी मानसून के संदर्भ में नहीं सही नहीं है भाई, तो वो है समुद्री उच्च दबाव से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है जिससे बारिश होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है ये। अगला है, दो शहरों में जंतर मंतर है, अरे जयपुर और दिल्ली में, उज्जैन बना मधुर, बनारस में, दिल्ली में, उज्जैन में है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में शामिल नहीं है, कौन नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या आप कहना चाह रहे हो कि मैं इस में शपथ लेता हूं कि इसका उत्तर नहीं देना चाहता, लोकसभा में विपक्ष के नेता। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, राज्य सरकार को करेगा, राज्य सूचना आयोग आयोग है तो और किसको करेगा भाई, आपको और मेरे को तो देके नहीं जाएगा है? आपको और मेरे को तो देके नहीं जाएगा ना, तो अपना आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अपना वो क्या कहता है, वो अपने को कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कि भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। परिसीमन आयोग 52-62-2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग मतलब सीमाओं का परिसीमन, तो इसमें दोनों कथन सही है, राइट आंसर होगा सी, कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्या नहीं आता भाई न्यायाधिकार क्षेत्र में, देखें इसमें नहीं आता आपका मुख्यमंत्री। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उसके राजा के समाप्त होने पर रजवाड़ों का प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें, पहला गलत है जबकि दूसरा सही है, यानी कि राजा खत्म हो जाएंगे, रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं हुआ, सब जगह हो रहा था प्रभुत्व समाप्त। ओके, अगला जो प्रश्न है अब वो अपन देखते हैं अब कि क्या कह रहा है, कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, बैराट जो है
वो जयपुर जिले में है क्या? अरे बैराट जो है वो जयपुर जिले में है क्या? यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल की शिला पटिकाएं भी यहाँ मिली हैं, यानी बाबरू शिलालेख है वो बैराट से ही मिला है, तो इसमें है। राइट आंसर अपना रहेगा कथन एक और दो, दोनों सही है। सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया, जिसने और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था, है ना? तो इसमें रहेगा महाणा कुंभा। राइट आंसर क्या रहेगा? महाणा कुंभा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया था? तो वो था सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सियेरा लियोन में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी? ये था जोम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग। जोम्बी मादक द्रव्य था, उसका दुरुपयोग किया जाने लगा था, तब आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला जो प्रश्न है, अगला जो अपना प्रश्न है वो क्या कहता है? वो कहता है कि राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकार, राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ भीलवाड़ा उदयपुर अजमेर अलवर इलाकों में पाई जाती है। कंजर जाति में परिवार के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। कहा जाता है क्या? कोतवाल नहीं कहा जाता। इसका मतलब केवल फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड जो है वो गलत है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि कोतवाल किसके मुखिया को कहा जाता है। मैंने जनजातियां आपको बहुत अच्छे से बताई थी, है ना? अच्छे से कमेंट करके मुझे ये बताओ। अगला जो प्रश्न है अपना वो रहेगा, अगला जो प्रश्न है वो क्या रहेगा अपना वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला जो है वो साक्षरता दर सबसे कम है? जालौर की है भाई, जालौर की। बहुत अच्छे से बताया था मैंने, जालौर की है। लाल पीली मृदा सवाई माधोपुर सिरोही राजसमंद उदयपुर भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसमें लाल पीली मिट्टी जो मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त है, क्या सही है क्या ये बात बताओ। देखें ये जो अपना राजस्थान का राजकोट जिसको लूणकर्णसर के नाम से जाना जाता है, वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? और सवाईमाधोपुर सिरोही राजसमंद उदयपुर भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है और लाल पीली मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर रहेगा कथन एक और कथन दो, दोनों सही है। आपके जो कथन एक और कथन जो सेकंड, दोनों जो हैं वो आपके सही रहने वाले हैं, कहीं कोई गलती नहीं है इसमें। अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं। आरेख रीति के तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? अरे स्टैक क्यू और ट्री। तो इसमें क्या रहेगा अपना? इसमें रहेगा ट्री। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो इसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सी एक असंस्त्रीय मृदा समूह है? सैल मृदा, टुंड्रा, लेटराइट और अम्लीय। तो इसमें रहेगी सैल मृदा। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या कहता है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील ताजा पानी की झील है? डीडवाना, पंचपद्रा, सांबर और उदयी सागर। तो इसमें क्या रहेगा? उदयी सागर। ये जो उदयी नहीं है, ये उदयी नहीं है, ये उदय सागर है। पता नहीं ये राइटर कहां से आ जाते हैं, ये कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लगता है मेरे को, है ना? सरकारी स्कूल में कोई पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे जहां तक। अब देखो अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? तो कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? प्रोलोग। कौन सी? प्रोलोग। अगला जो प्रश्न है उसमें देखते हैं अपन कि इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में? ये आ गया हरिके बैराज। देखो हरिके बैराज, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे,
बताओ हैरी के बराज पंजाब। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जवाहर सागर, प्रताप सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, चंबल नदी पर है। अरे भगवान, अब आ गया सामने इंग्लिश। आई डोंट लाइक, अरे वाह क्या बात है, आई डोंट लाइक पीपुल टेलिंग मी व्हाट टू डू। अरे देखो, बात तो बंदे ने सही कही है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे कहते हैं कि तुम क्या करते हो, बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें रहेगा बी, आई डोंट लाइक बींग टोल्ड व्हाट टू डू बाई पीपल। अगला जो प्रश्न है वो रहेगा कि मोस्ट अपीर, ये भाई इंग्लिश मेरे को कमी आती है, इसमें राइट आंसर रहेगा ए वाला। फिर है अगला, इसमें रहेगा आपका डी वाला। अगला जो क्वेश्चन आपका वो किसका है भाई, मेरे को जहां तक लग रहा है ये है रीजनिंग का, और ये कह रहा है कि ऐसा कुछ प्रश्न दिया है जिसमें 2, 8, 6, 6, 6 बीच में 36, 2, 7, 5, 8, 2, 46, तो इसमें यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ भी वही 46 ही आएगा। क्या आएगा? 46 ही आएगा। तुक्का मार दो, कोई दिक्कत नहीं, 46 आने वाला है, क्योंकि पता था इनको अगर 46 यहाँ तो यहाँ कोई तुक्का वाला इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुक्का मारने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। IFQ means J means T means ऐसे कुछ दिया है means means करके, और इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो राइट आंसर आपका देखना है इसमें कि कौन सा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या है। यदि Q का अर्थ प्लस J का अर्थ गुणा, क्या कह रहा है ये कि अगर Q का अर्थ है प्लस J का अर्थ है गुणा, T का अर्थ है माइनस और K का अर्थ है प्लस करना है, तब 30 के, क्या कह रहा है ये, 30 के 2 क्यू 3 जे 6 टी 5 तो बराबर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या कह रहा है ये, अरे इसको रख के देख लो रे भैया, के का मतलब क्या है, के का मतलब है प्लस, तो के की जगह यहां प्लस रख दो। फिर कह रहा है क्यू की जगह क्या रखना है, क्यू का अर्थ है फिर प्लस, फिर क्या कह रहा है, जे का अर्थ है गुणा, यहां गुणा रख दो, और फिर टी का अर्थ क्या कह रहा है, टी का अर्थ है माइनस, तो यहां माइनस रख दो। अब इसको सोल्व कर लो क्या आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा था, बता क्या रखा था, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बोर्ड मास, बहुत अच्छे से पता है आपको, बहुत अच्छे से बचपन से आप इस प्रश्न को पढ़ते आ रहे हो कि बोर्ड मास का नियम है। तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा 28। क्या रहने वाला है? 28। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठा योजना का संबंध किससे है? श्रेष्ठा योजना जो है वो छात्रों से है, श्रेष्ठा योजना का जो संबंध है वो किससे है? छात्रों से है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण को आवश्यक बना दिया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है, और ये जो हमारी पुस्तकें हैं ना, सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें हैं, आई थिंक 9वीं या 10वीं की पुस्तक में दिया है, तमिलनाडु। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में साइमन आयोग कब आया था? कब आया था? 1928 में। राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? बणेश्वर, बणेश्वर मेला। निम्न में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? तो यह किया गया था महाराणा प्रताप सिंह। अपने नहीं कहते क्या, क्यों तमाशा कर रहा है यार, क्यों तमाशा दिखा रहा है लोगों को, क्यों नाटक कर रहा है, तमाशा तमाशा है ना, तो महाराणा प्रताप। अगला जो प्रश्न है अपना, निम्नलिखित किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, वो जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज हैं? तो ये है आपका लोहागढ़, और ये लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर। कहाँ है? भरतपुर। एजेंडा निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? एजेंडा जो है ये कार्य सूची। कलेजा बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? बहुत प्रसन्न होना,
बहुत प्रसन्न होना। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं? तो इसके लिए हैं, किसके लिए हैं भाई? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 के लिए। अच्छा, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, है ना, और इस कथन में लिखा है कि पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है और सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। अरे नहीं होती भाई साहब, किसने कह दिया मैत्रीपूर्ण भावना होती है? खूब लिखे थे पत्र, कुटाई होती थी स्कूल में जमकर, कहां थी मैत्रीपूर्ण भावना? बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये गलत है, इसका मतलब पहला गलत है, कथन एक असत्य किंतु दूसरा सत्य है। मैत्रीपूर्ण भावना कहां होती है? मैत्रीपूर्ण भावना तो किसी एक आद्य के साथ होती थी, बाकी के साथ तो दुश्मनी चलती थी, धुलाई होती थी स्कूल में खूब जमकर। किसने कह दिया ये मैत्रीपूर्ण भावना? कहीं नहीं है मैत्रीपूर्ण भावना इसमें। थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, पहले राजा महाराजा जो थे वो क्या पत्र लिखते थे? तो केवल क्या प्रेम प्रसंग के लिए लिखते थे क्या? दुश्मनी में भी पत्र लिखे जाते थे। चलो इसमें देखते हैं अपना अगला जो प्रश्न है अपना, वो क्या कहता है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था, बिल्कुल भरा हुआ था। 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ, कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत का हुआ था। दोनों बातें सही हैं। बहुत से लोग अपने घर से बेघर हो गए थे भाई, है ना, तो ये दोनों बातें सही हैं, कथन एक और कथन दो, दोनों जो सही हैं, दोनों सही हैं, है ना, कहीं कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, दोनों कथन आपके सही रहने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखते हैं अपन, और वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न दिया है भाई, ये बनाया था मेघालय से अलग करके असम को बनाया था। अगला जो प्रश्न दिया है और वो कह रहे हैं कि अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में चला, पूर्व दिशा में चला या पूर्वी के पीछे चला? हैं, पूर्व दिशा में 26 किलोमीटर चलेगा भाई, है ना, चला लेना आप अपनी मर्जी से जहां तक आपका मन करे, लेकिन 26 किलोमीटर पे रोक देना इसको, ज्यादा दूर नहीं निकल जाए वरना रात को साधन नहीं मिलेंगे क्यू और आर के बीच। अगला जो प्रश्न है कि पी क्यू आर एस और टी बेंच पर बैठे और सबका मुख उत्तर की ओर है, किसने कहा था उत्तर की ओर करने को, लेकिन कह रखा है तो मानना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्यू और आर के बीच में। अब जो भी है प्रश्न आराम से आप पढ़ लेना, इसका राइट आंसर होगा क्यू और आर के बीच में। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन हो जाता है जब प्लस और माइनस आपस में टकराता है, तो उदासीन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? कौन सी घटना जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? स्पष्ट आकाश का नीला रंग, ये जो है अपवर्तन से संबंधित नहीं है। बाकी एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना भी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है इसमें अपना, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जरूरी है क्या इसमें आएगा? जे जे ई ई आर बी वाला, मानव ए बी और रुधिर में कितने प्रकार के जीनोटाइप संभव हैं? बताओ रे छोरो, बताओ रे क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा 6 प्रकार के, दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाए तो पेन के निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या होगी 3। कितनी होगी? 3। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि बहु चैनल टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर
आप देख सकते हो, तो उसको कहते हैं डीटीएच। अगर किसी वस्तु को 11 किलोमीटर की अधिक वेग से पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, क्या करेगी, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, तो इसको कहते हैं प्लायन वेग। प्लायन वेग, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर आपको ऊपर की तरफ फेंक देना तो आप अंतरिक्ष में चले जाओगे, वापस से नहीं आने वाले, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर कोई आपसे ज्यादा कोई दिमाग लगाने का प्रयास करे, ज्यादा आपको बार बार पूछ रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो उसको पकड़ के फेंकना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, तो वो क्या करेगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि अंतरिक्ष में चला जाएगा। फुलरेन का उपयोग कहां होता है, फुलरेन का उपयोग कहां होता है, प्राकृतिक गैस के शोधन में होता है भाई, प्राकृतिक गैस के शोधन में होता है। अगला प्रश्न दिया गया है सी ए और बी की माता है, तो इसमें होगा सास, कौन होगा, सास। अगला प्रश्न दिया गया है सो में, तो इसमें सी होगा, सी वाला प्रश्न आपको सामने दिया गया, आराम से आप देख लेना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब जो प्रश्न आ गए वो हमारी समझ से परे हैं, बट इसके राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये एस से आता था, हमने तो भाई साहब ऊपर नीचे से चार लाइनें उल्टी पुल्टी करके उसको लिख देते थे, बट इसमें ऑप्शन पूछा है, तो इसका पहले का राइट आंसर होगा डी, 102 का राइट आंसर होगा डी, पीछे सी सी था, यहां डी डी है, तो बस आप लगे रहो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 103 और 103 का राइट आंसर होगा बी, 103 जो है उसका राइट आंसर होगा बी, 104 का राइट आंसर होगा डी, 104 का राइट आंसर होगा डी, और 105 का राइट आंसर होगा डी, और 105 का नोक्रेक, रेड पांडा, अरे नोक्रेक कैसे लिखा जाता है, क्या रहे बावड़ी त्रेड, नोक्रेक ऐसे लिखा जाता है, पागल, रेड पांडा किस जीव मंडल का समूह है, रेड पांडा पुंछी आयोग, ये पुंछी आयोग बताया था ना मैंने, पुंछी आयोग, राजमनार आयोग, ये पुंछी, पुंछी केंद्र राज्य संबंध के संबंध में है, केंद्र और राज्य के संबंध। निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, और भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्य समावेश कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को, कितने सदस्य है भाई, 12 सदस्य जो हैं उनको मनोनीत किया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस कथन को जाना जाता है ये बी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है राज किसान जैविक ऐप, राज किसान जैविक ऐप। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया, 2022-23 में। अगला प्रश्न है, एक मेमोरी जिसका प्रयोग आंकड़ों को स्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, तो इसमें होगा रैम और रोम, रैम और रोम। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है वह, हैं बताओ देखें, वो कहलाता है कुंजी पटल और माउस, क्या कहलाता है, कुंजी पटल और माउस, ओके। अगला जो प्रश्न है अपना वो रहेगा कि केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है, किसने कहा था भाई, हमने तो कहा नहीं गया, आप समान रहो, ऊपर नीचे हो जाओ, आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, पर केले के पेड़ से बड़ा, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, आलू बुखारा का पेड़ है। अगला जो है स्टेटमेंट दिया है, कोई भी संख्या अंक नहीं है, सभी अंक खंड है, कुछ अंक पूर्णांक है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन।
अगला जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि इन शब्दों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द ज्ञात कीजिए, यानी इनको कर्म से लगाना है कि एक दो तीन चार पांच पे कौन सा आएगा, और एक दो तीन चार पांच पे जो आएगा तो तीन वाला क्या हो गया मध्य में, किसमें हो गया मध्य में, तीन वाला जो है वो आपके रहेगा मध्य में। तो इस तीन वाले को आपको अच्छे से देखना है कि तीन वाला जो है वो आपके रहेगा मध्य में। अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं और वो क्या कहते हैं, चलो देखते हैं कि आकृति एक और आकृति दो एक दूसरे से विशिष्ट तरीके से संबंधित हैं। आकृति तीन और चार के बीच समान संबंध स्थापित करने के लिए आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह से के स्थान पर आएगी। ये इमोजी दे दिया, देखो आजकल जो शिक्षक है ना जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो भी क्या है कि इंस्टाग्राम पे मैसेज डालते रहते हैं रिया मैम को, तो उस चक्कर में इन्होंने डाल दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है, अन्य सभी से कौन सा विकल्प है जो अलग है, तो इसमें देखना है सात छप्पन और चार, नौ तीस और छह, पांच अठारह और चार, और नौ बाईस और दो, नौ बाईस और दो। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा सात छप्पन और चार, क्या रहेगा सात छप्पन और चार। अगला जो प्रश्न है आपका कि सार्थक शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और बने हुए शब्दों में भिन्न शब्दों का चयन कीजिए, और इसमें राइट आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। सोनार किला जैसलमेर का किला। अगला है, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे, शिवचरण भरतिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न तो जो बच्चा राजस्थान में जिसने जन्म लिया उसको तो याद करने पड़ेंगे। राजस्थान अल्लाह जिलाईबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो मांड गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर से संबंध है इनका। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विश्व में हर्ष शोक घृणा प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें राइट आंसर जो है निर्देशक चिन्ह नहीं होते, वो क्या होते हैं, विस्मय आदि। तो इसमें ये दो नंबर गलत है, केवल एक सही है, ए वाला, कथन एक सत्य है किंतु कथन दो जो है वो असत्य है। अगला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न देखो कि है अनुनासिक वर्ण है और ऊ जो है वो क्या कह रहा है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रह गया क्या, इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है, इसमें पहला गलत है दूसरा सही है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र है डी। अगला है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो वो है एक्सेल। अगला है, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 की विषय वस्तु कौन सी थी, ये थी पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी। अगला जो प्रश्न रहने वाला है अपना, अगला जो प्रश्न रहने वाला है, अगला जो प्रश्न रहने वाला है, थोड़ा गला खराब हो गया था। अच्छा, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, चलो इसका राइट आंसर बताओ क्या रहेगा, राजेश गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता या परवीर भटनागर या एमएस लोढ़ा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ओके, इसका राइट आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता।
हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया है? बताओ भाई, इसमें किया गया है यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? यूएसए के द्वारा। अगला है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वो दिया गया है बेगूसराय, भारत। बेगूसराय जो है वो किस राज्य में है, आप ये मुझे कमेंट में बताइए। अगला है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? कौन थे भाई बताओ? भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो इसमें कौन थे? जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत थे भाई, है ना। अगला जो प्रश्न है कि यहां पूछा गया है, आर्टिकल पूछा है कि तीन जगह खाली दी है, इट इज खालिस्तान प्लीजर टू डू, खालिस्तान बिजनेस विद सच, खालिस्तान एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें रहेगा ए एन, ए एन, ए और एन, बी वाला। अगला जो है, इफ यू, इफ यू, इफ यू जो है इसमें रहेगा फाइंड, इफ यू फाइंड ए स्केलेटन इन द सेलर डोंट मेंशन टू एनीवन। अगला जो है, चूज द मोस्ट एप्रिसिएट मीनिंग ऑफ द आईडीएम गिवन बिलो, हिज एल्डेस्ट सन। इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा कि सी वाला, क्या रहेगा? सी वाला राइट आंसर आपका रहने वाला है, सी ऑप्शन, है ना, सी वाला जो ऑप्शन है वो रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो है, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा? लोकतंत्र की स्थापना, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, निर्धनता और संसाधन की कमी। तो इसमें बेटा सीधी सी बात है, भारत निर्धन था, बहुत पैसा ले गए थे अंग्रेज। जब पैसा होगा तो लोकतंत्र की स्थापना भी होगी, जब पैसा होगा ना हमारे पास तो हमारे पास लोकतंत्र की स्थापना भी होगी और प्रौद्योगिकी पैसे में हम खरीद सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खरीद सकते हैं अपन, आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अंग्रेज हमारा पैसा था वो सारा का सारा इंग्लैंड ले गए थे, ठीक है। अगला है, एक जन आधारित संगठन एम के एम एस की पहल पर अकाल राहत कार्यों और मजदूरों के खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य में उठाया गया? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में या फिर आपके उड़ीसा में? तो ये उठाया गया था राजस्थान में। कहां था? राजस्थान में। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजे ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों को आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। ये द्वीप कौन से थे? कौन से थे? अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अगला जो है, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय का प्रकार नहीं है, दिशावाचक, कालवाचक, हेतुवाचक और विरुद्धवाचक। तो इसमें क्या होगा? विरुद्ध। विरुद्ध कोई वाचक नहीं होता है भाई, विरुद्ध कोई वाचक थोड़ी होता है, मर्जी से लिख दिया इन्होंने विरुद्धवाचक। अच्छा, खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? बताओ भाई, परिमाण बोधक, सार्वनामिक बोधक और गुणवाचक विश्लेषण और संख्यावाचक। तो इसमें परिमाण बताया है, कितना? आधा किलो, किलो, आधा किलो, इसका मतलब माप बता रहा है कि कितना लगा है, है ना, ओके। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन, और ये जो प्रश्न दिया है, फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है, ये कथन का दिया गया है, और इस कथन में आपका राइट आंसर रहेगा कि कथन एक और कथन दो, दोनों ही जो हैं वो आपके गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं, ओके। अगला जो प्रश्न है कि फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से विद्युत धारा को प्रवाहित करके उनकी सुरक्षा करता है, दोनों ही बातें गलत हैं। तो इसमें सही क्या रहेगा? कथन एक और कथन दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं भाई, है ना। तो इसमें आराम से आप, आराम से इस क्वेश्चन को देखना,
दोनों कथन गलत है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है अपने को, वो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, नमक का पानी में घुलना, दही का जमना, भोजन का पकना, फल का पकना। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अरे भौतिक परिवर्तन होता क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और भौतिक परिवर्तन का मतलब जो है जो अपना आकार रूप रंग ढाल बदल ले, और इसमें क्या होगा रासायनिक जो अपने गुणों को बदल ले। तो इसमें नमक का पानी में घुलना तो ये क्या है, इसमें भौतिक परिवर्तन है। क्या है इसमें भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नमक था पानी में घुल गया, अपना खुद का जो रंग रूप था उसको छोड़ दिया। ठीक है, आगे जो है अगला जो प्रश्न है आपका वो रहेगा मैच करना है भाई। आपको दो लिस्ट दी गई है सूची, फर्स्ट और सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें राइट आंसर आपका रहने वाला चार, ए में तीन पेयजल का शोधन करता है, बी में चार अम्ल नाशक है, सी में एक वॉशिंग सोडा कांच का निर्माण करता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस दंत चिकित्सक जो है वो काम में लेते हैं। आप बेवजह यहां बैठे हो, इसका राइट आंसर होगा ए, यू आर, जरूरी नहीं है कि यू आर यहां बैठे हो, है ना, यू आर यहां बैठे हो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन, न्यायिक निर्णय, बताओ भाई न्यायिक निर्णय, इतना बड़ा नाम आ गया, ये देखो ए वाला सही है। अगला है 146 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें भी क्या रहेगा आपका, ए वाला रहेगा, और 147 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है सुनो ध्यान से, स्मारक स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है, तो ये है बेटा आपके मौलिक मौलिक कर्तव्यों में, स्मारक है, स्थान है, कलात्मक वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए, इसमें क्या रहेगा, देखो ये मौलिक कर्तव्य भी है आपका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लेखित नहीं थे, संविधान में उल्लेखित नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। तो इसमें अगर आपसे चारों में से सही पूछा जाए तो राइट आंसर आपका रहने वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में भी दिया है लेकिन दिया है कि मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा, और बाद में जोड़ा तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा था, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा नीति निदेशक तत्व। अब मुझे ये आपको बताना है, आप मुझे कमेंट में आप बताना कि ये किस आर्टिकल में है नीति निदेशक तत्व का उल्लेख, कहां से लेकर कहां तक और भाग कौन सा है। अगला जो प्रश्न है अपना वो कहता है, क्या कहता है अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के उद्देश्य से तो 1982 में किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया गया था, तो कौन सा था वो, नाबार्ड, नाबार्ड था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है नाबार्ड से, तो नाबार्ड से हर बार प्रश्न आता है, और करेवास, करेवास जो है वो हिमनदीय चिकनी मिट्टी की मोटी परत होती है, और निम्नलिखित कथनों में से भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए, कौन सा सही नहीं है, बांगर पुरानी, बांगर नहीं होता ये बांगर होता है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है, खादर नई जलोढ़, दोनों बातें सही है, तराई एक संकरी पट्टी है जो शिवालिक तलटी के समांतर या ढलान के टूटने पर, गलत बात है, ये भाबर होता है, तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की वाली परत है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें राइट आंसर सही नहीं है, वो है तराई एक संकरी पट्टी वाली, ये होता है भाबर, भाबर होता है जहां हिमालयी जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, प्राय विलुप्त हो जाती है, उसको कहते हैं बाबर, बाबर के बाद में तराई, तराई के बाद में जलोढ़ मैदान, और जिसमें दो प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, बाबर सॉरी बांगर और खादर। ठीक है ना, तो यहां से आपके 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, अगर कहीं बीच में आपको अव्यवस्था लगी तो उसके लिए सॉरी, और अगला जो आपकी शिफ्ट जो है उसका आप तैयार रहें, जैसे ही आप अपना प्रश्न पत्र हमें मिलेगा जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि आपको उसका विश्लेषण मिले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।